दोपहर के 1 बज गए और करीबन 45 डिग्री तापमान हो गया और अब छाया नहीं बची कहीं भी, हर जगह ही धूप आ रही है। ये है भाई हालात दुनिया की सबसे डेंजरस ट्रेन के और सबसे लंबी ट्रेन के। हर चीज में मिट्टी अंदर तक भर चुकी, पैक के अंदर भी मिट्टी गई हुई है, पता नहीं सारे कपड़े सब कुछ मिट्टी में भर चुका। रात को इतनी ठंड थी तो सुबह पानी चिल था, अब वही पानी ऐसा है मानो बॉइलिंग वाटर हो। अभी आया एक पुलिस वाला और अंदर जो भी लेटे थे ना चिल्लाने लग गया, सबको उठा दिया। फोन का जो स्क्रीन गार्ड था वो डैमेज हो चुका है क्योंकि आयरन और पड़ा है कहीं पे, मिट्टी है कहीं पे कुछ, तो स्क्रीन खराब होगी। स्वागत है सारा रेगिस्तान से दुनिया की सबसे लंबी और सबसे भारी ट्रेन में। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ नुआदीपू जो कि मोरिटानिया की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और नुआदीपू में मैं आज एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर करने वाला हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने शायद मोरिटानिया का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं बता दूँ कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है और सारा रेगिस्तान है, 90% कंट्री सिर्फ रेगिस्तानी है। और इस देश में ना एक ट्रेन चलती है जो कि आयरन ओर कैरी करती है, उसी पर इसकी काफ़ी इकोनॉमी डिपेंड करती है इस देश की। और हालांकि वो एक कमर्शियल ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन नहीं है, उस ट्रेन में मैं सफ़र करने वाला हूँ सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच नुआदीपू में। मेरे साथ है सुरजीत जी जो कि पटना से इंडिया में और काफ़ी इंडियंस के यहाँ पे मदद करते हैं, मेरा भी इनसे कांटेक्ट हुआ, बहुत ही हेल्पफुल आदमी है और इतने जनरस है कि बोल रहे कि मैं ही तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ाऊँगा। तो मैंने अभी होटल से चेकआउट करा है और अभी इनके साथ गाड़ी में बैठते हैं, रेलवे स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़ के जाने वाला हूँ जोरैथ। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ, पहले चलते हैं अपन ट्रेन स्टेशन। चले सुरजीत जी, चलिए। थैंक यू सो मच। एक तो भाई यहाँ पे कोई भी अपनी जबान नहीं बोलता, इंग्लिश तक नहीं बोलता कोई, सिर्फ अरेबिक या फ्रेंच, अरेबिक भी इनकी अलग है, हसनिया अरेबिक डायलेक्ट बोलते हैं। तो भाई आज मेरा 3रा दिन हो गया मोरिटानिया में और किसी इंसान से मैं बात ही नहीं कर पा रहा था, इतना अच्छा लगा है सुरजीत जी मिले ना, हम आराम से अभी रिसेप्शन बैठ के बात करी, हमने अपनी जबान बोल पाए। मोरिटानिया बेसिकली पिछली वीडियो से आप समझ ही गए होंगे, मैंने कुछ फैक्ट्स इसके बारे में बता दिए, एक पूरी तरह से एंटायरली सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, मोस्टली डेजर्टेड है, पानी बहुत कम है, ना के बराबर है। साउथ में इनकी सेनेगल रिवर है जो कि सेनेगल की है, उससे थोड़ा बहुत जो भी पानी इन्हें मिलता है मिलता है। 1/3 इनकी पॉपुलेशन नॉकशॉट जो इनकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है उधर रहती है, और नुआदीपू बेसिकली इनका पोर्ट है जिसके लिए फेमस है। और दूसरी चीज़ जो आयरन ओर की ट्रेन है वो नुआदीपू से चलती है और वो जाती है जोरैथ। जोरैथ में आयरन ओर की माइनिंग होती है, यहाँ से खाली जाती है, वहाँ से आयरन ओर उसमें लगता है और फिर वो वापस आती है नुआदीपू की तरफ, इधर आके वो ट्रेन खाली होती है और फिर दोबारा चलती है। साल में 365 दिन वो चलती है विदाउट अ ब्रेक, और इतनी लंबी ट्रेन है कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक हो सकती है, और एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में ट्रेन के 30 मिनट तक लग सकती है पैदल चलने में। बाकी ट्रेन के बारे में आपको बताता रहूँगा, ये है सड़कें नुआदीपू की। रास्ते में मेरे को अभी पानी लेना है क्योंकि ट्रेन का टाइम वैसे तो 1:30-2 बजे है, लेकिन कभी भी टाइम पर वो आती नहीं, तो मैं जाके अभी रेलवे ट्रैक पर ही वेट करूँगा। अभी बजे 12:30-12:15, तो जब भी आएगी आएगी ट्रेन में बैठ के अपन सफ़र शुरू करेंगे, तो मेरे को उस हिसाब से पानी लेना पड़ेगा, कुछ खाने का लेना पड़ेगा रास्ते में, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैंने एक कंबल ले लिया, रात को ठंड हो जाएगी काफ़ी, और कुछ कपड़े वपड़े ले लिए, मुंह ढकने का सारा सामान ले लिया, लेकिन पानी मेरे पास इनफ नहीं है, पानी और कुछ चॉकलेट वगैरह वो रास्ते में से भी लेंगे। ये जो आप देख पा रहे हो ये एयरपोर्ट की बाउंड्री है और अपन बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ साथ चलने लग रहे हैं। ये एंट्रेंस है भाई इधर के एयरपोर्ट की, स्पेन की फ्लाइट चलती है इधर से, पर बहुत बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं है, पर सही है इस शहर के हिसाब से एटलीस्ट एयरपोर्ट तो है। सामान ले लिया मैंने, लगभग 850 उगिया का आया, एक उगिया में इंडिया के 2.17 रुपये होते हैं, तो 850 मतलब इंडिया के 1900-2000 रुपये का मैंने ले लिया। 6 लीटर पानी, 1.5 लीटर मेरे पास पहले ऑलरेडी भी था, तो मेरे पास 7-7.5 लीटर पानी है, बहुत ज़्यादा है जो कि। और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स के पैकेट ले लिए, मेरे पास बादाम थे ऑलरेडी पर थोड़े और ले लिए, और साथ में मैंने 2 चॉकलेट ले ली, और 2-3 चॉकलेट मेरे पास बैग में ऑलरेडी पड़ी भी हुई। तो अब मतलब मेरे को कुछ भी नहीं मिलता अगर खाने का, तो भी मैं 2 दिन तो बिता सकता हूँ जिंदा रह के इन सब चीज़ों पे। तो चलते हैं बस अब सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ, सुरजीत जी मेरे को छोड़ देंगे और वहाँ से फिर जब भी ट्रेन आएगी अपन इंतज़ार करके ट्रेन में बैठ के सफ़र शुरू करेंगे। ये इनका सरकारी अस्पताल है नुआदीपू में। ये आ गया भाई नुआदीपू का रेलवे स्टेशन। आप लोग सोच रहे हो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में ये स्टेशन है। चलो भाई
बैग भारी हो गए, 6-7 लीटर तो पानी है। ये आ गया भाई स्टेशन, फुल लदा हुआ, और एक हाथ वाला बैग जिसमें कंबल है वो आगे सुरदीप जी के पास है। ये स्टेशन, इसमें कंबल और पानी और मुंह पे ढकने का सब सामान है मेरा। भाई इनसे लोकल से पूछने लग रहे हैं, सुरजीत जी थोड़ी फ्रेंच बोल लेते हैं तो पूछ रहे कि भी कब जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि टाइम का इसका कुछ पता नहीं, 12-15 घंटे भी लेट हो जाती है। एक आदमी ने तो रात के 2 बजे बोर्ड करी थी, अभी दोपहर के 1:45 हुए, कुछ नहीं पता कितने भी घंटे लेट हो सकती है। सुरजीत जी गए, बाय बाय भाई, बड़ी मदद करी। अभी बजे है 1:45 और लगभग यूँ मान लो 3 बजे से पहले से तो आने से रही। ये औरत यहाँ पे सामान बेच रही थी, ये बोल रही थी कि भी मिनिमम 3 तो बजेंगे ही बजेंगे, और अभी 2.25 घंटे अपन ही आराम करते हैं। कह रही है कि और लोग भी आएंगे, अभी तो खाली है, कुछ लोग और सोने लग रहे हैं यहाँ पे, अपन भी सो जाते हैं। आप लोग हो सकते हैं सोच रहे हो कि यहाँ पे और लोग बैठे हैं, तो मतलब पैसेंजर ट्रेन है क्या जो लोग ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं, पर जैसे मैंने बताया ये मालगाड़ी है दरअसल, इसमें 1-2 बोगी वैसे पैसेंजर की भी अटैच होती है, पर वो हर बार नहीं होती, पता नहीं उसका क्या सिस्टम है। पर लोग बेसिकली इलीगली ही इसमें चढ़ के जाते हैं, पर लीगली इलीगली कुछ ही मान लो, जो इनकी नेशनल रेलवे है उनको इनकी माइनिंग कंपनी ओन करती है और उन्हें ही पता है भाई लोग जाते हैं, पर कोई और इलाज भी नहीं है। एक ही रेलवे लाइन है इनकी, 700 किलोमीटर लंबी है, और तरीका क्या है फिर ट्रैवल करने का? लोग गरीब अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि सबके पास गाड़ी हो या फिर कोई बस जाती हो, बस की टिकट अफोर्ड कर ले, तो लोग फ्री में ही ट्रेन पर चढ़ के जाते हैं, और काफ़ी रिस्की भी है ये, डेंजरस भी है। दोपहर के अभी 1:45 हो गए, और अभी आया एक पुलिस वाला, यहीं पे दफ्तर था स्टेशन पे, ताला लगा हुआ था पहले, बंद था वो, अभी खोल के आया और अंदर जो भी लेटे हुए थे ना चिल्लाने लग गया, सबको उठा दिया, मैं भी लेटा हुआ था, और 15 मिनट पहले की बात है, 1:30 बजे की बात है, लेकिन मेरे से प्यार से बोल रहा था, आके मेरे से हाथ मिलाया, मेरे को ग्रीट करा और सबको धमका रहा बहुत बुरी तरह। बाद में अंदर कमरे में लेगा सबकी तलाशी के लिए, चिल्लाने लग रहा है फूल तेज तेज, सबको धमका रहा है, ये जो यहाँ के लोकल काले है जो भी, ऐसे चिख चिख के बोल रहा है और मेरे से प्यार से बात कर रहा है। फिर क्या करा उसने, मेरे को अंदर बुलाया, औरों की तो तलाशी ले रहा है मेरा जान करके, सिर्फ यूँ दूर से ऐसे करके स्कैनर सा, वो जो मेटल डिटेक्टर सा होता है, करके रख दिया, बोला ना ना आप, और कागज़ पे सी बस मेरा नाम नंबर, एक्टिंग सी कर रहा है, मैं समझ गया था मैं घूस लेने के चक्कर में। फिर कमरे का गेट बंद करा और बोला 200 रुपया देखो मेरे को घूस। फिर मैंने सोचा चलो दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आराम भी करना है, बताने कितना टाइम बिताना पड़े, तो कमरा बंद कर दिया उसने, मुझसे 200 रुपया मांगे, मैंने दे दिया। उसके बाद मैं कई देर तक कमरे में खड़ा रहा, उसे लगा कि मैं उसको रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, बाद में वो आके मेरे फ़ोन की तलाशी ले रहा और ये वो, मैं बोला अरे भाई नहीं कर रहा, ट्रांसलेट कर रहा था मैं सही में ट्रांसलेट कर रहा था, मैं ये पूछना चाहता था किस टाइम आएगी ट्रेन, तो फिर वो मेरे को बोला 4 बजे आएगी। तो उसका नाम तो मैंने देखा था यार, नाम मेरे याद नहीं आ रहा क्या था, लेकिन उस सिपाही का, पर इधर स्टेशन पे ही था वो, 200 रुपया उसने घूस ली औरों को धमकाने लग रहा था पता नहीं, और नाटक कर रहा, मतलब मेरी आईडी ले गया, पासपोर्ट ले गया, लिख रहा बार बार ड्रम में बज, और सारे तो उठ गए, अब कोई नहीं सो रहा, आराम से बैठे नहीं हुआ, आगे फिर धमकाएगा, मैं अपना आराम से सोऊंगा, पैसे दे रखे भाई, टोकेगा तो फिर मैं उससे लड़ पड़ूंगा, फिर मैं कह दूंगा भाई तेरी मैंने वीडियो बना रखी है, पालतू बोलेगा तो भी कर दूंगा लीक, अपन करते हैं आराम, पैसे भिजवा दिए भाई। भाई अभी दोबारा आया वो अफसर और मेरे को उठाया नींद में से, बोलो इंडियन उठ, मैं बोला हाँ बोल चले। फिर एक आदमी की ड्यूटी लगा दी, बोला ये तेरा ध्यान रखेगा, जिसको धमका रहा था उसको ही कह दिया इसका ध्यान रखियो ये वो, और मेरे को बोला आराम करो ऐसे वैसे, मैं ठीक कहता हूँ जा। शाम के 4:15 हो गए दोस्तों, और कुछ ऐसा दिखता है ये ट्रैक, अभी तक ट्रेन आई नहीं, और रेलवे स्टेशन के बाहर ये गंदगी देखो, अब स्टेशन की तरफ चलते हैं, कई देर से बैठा हूँ मैं, भीड़ भी होगी। ये देखो भाई बकरी भी लोग लदा के लेके जाएंगे इस ट्रेन में, खूब भीड़ होगी बाहर। अब शाम के भाई 5:45 हो गए, मेरे को आए 5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आई, कोई नामो निशान नहीं है, लोग ज़्यादा आ गए हालांकि स्टेशन भर गया, पर ट्रेन अभी तक नहीं आई। मैं चाह रहा था अंधेरा होने से पहले आ जाए ताकि नज़ारे देख सके सारा रेगिस्तान के, पर अगर अंधेरा हो बाद आई तो फिर सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं भाई, अंधेरा होने वाला और मुझे नहीं लगता अंधेरे से पहले आएगी अब ट्रेन, शोर साथ हुआ था मैं उठ के भागा,
पर ट्रेन नहीं था, कुछ और ही था वो। शाम के भाई 7 बज गए ऑलमोस्ट, और मैंने अभी पूछा कब आएगी, गार्ड से बोला 9 बजे रात के। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, सनसेट भी हो गया, साथ ही और रात के 8:15 बज चुके हैं। रात के 9:15 हो गए भाई, अभी तक कोई खबर नहीं ट्रेन की, भीड़ होगी भयंकर। मुझे आए भी ऑलमोस्ट 9 घंटे होने वाले हैं, इधर पड़ा हूँ आराम से, कभी बाहर चला गया कभी अंदर आ गया, ऐसी टाइम पास कर रहा हूँ। 9:15 हो गए भाई और अभी तक कोई मूवमेंट नहीं, अच्छे बसे भाई। वक्त हुआ है रात के 10:15 और अभी भी कोई अपडेट नहीं। ये गेट तो खोल रहे, पता नहीं क्यों खोल रहे, लेकिन किस तरह लोटपोट हो रहे यार, देखना बेशर्म होगी डाल। सारे यूं ही पड़े बिल्कुल, 10:45 और हलचल सी होने लगी, एकदम सारे उठ गए। काश आ गई हो भाई, काश आ गई हो, मर लिया मैं तो। इट हैज अराइव्ड, ओके। लोग आ गए भाई इधर सारे, ट्रेन तो नहीं दिख रही, लेकिन वो मेरा साथी कड़े रह गया जरा, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है भाई, और लोग खड़े खूब सारे, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं तो सोच रहा हूँ चढ़ेंगे कैसे ट्रेन में इतने अंधेरे में। 11:00 बज गए भाई, अभी तक नहीं आई ट्रेन, लोग इतनी जल्दी आ गए, पहले ऐसे ही खड़े हो गए बाहर। जुगनू वगैरह दिख रहे, तारे दिख रहे, आसमान एकदम साफ है। वो जो टीटी नहीं था जिसने मेरे से पैसे लिए थे, घूस कह लो कुछ भी कह लो, वो आया अलग से मेरे पास और मेरे को बोला कि ना उधर चला गए, उस तरफ बैठ। मैं बोला क्यों, मेरे साथ एक दोस्त है क्या, मैंने दोस्त बना लिया था, बार बार मेरे सामान का ख्याल रख रहा था, मैं उसका रख रहा था, साथ वाली उस कुर्सी पे ही था वो, तो वो मेरे साथ साथ था, पर उसने उसको नहीं आने दिया, पता नहीं क्या चक्कर था, मतलब लैंग्वेज बैरियर था नहीं, मैं धक्के से ले आता, पता नहीं क्या बात हुई, मेरे समझ में नहीं आया, अंधेरे में कुछ देख भी नहीं रहा था, मुझे लगा पीछे पीछे आ रहे, देखा तो था ही नहीं। उसने टीटी ने 2 बंदों की ड्यूटी लगा दी, बोला टीटी उन्हें कि अमेरिका गई, इसका ध्यान रखना। तो वो 2 बंदे मेरे साथ में, एक का नाम तो माइक है पर इंग्लिश नहीं आती, एक आधी लाइन बोल पाए वो बस इंग्लिश की, बस माई नेम इज़ माइक, बस इतना। और अब यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, 11:00 बज चुके ऑलरेडी। भाई साहब ट्रेन इतनी लंबी ट्रेन है, ख़त्म ही नहीं होने लग रही, इतनी देर होगी, और मेरे ख्याल 3 से 4 तो इसके इंजन है, डीजल इंजन। ओ भाई रे, भाई कौन से में चढ़ना है, अब कुछ दिख नहीं रहा अंधेरे में, ये तो मैंने फ्लैश ऑन किया तो थोड़ा बहुत। भाई ये तो पैसेंजर वाले पे ले आया, इसके पीछे एक पैसेंजर कैरिज भी है, यही इंजन है, नहीं पैसेंजर कहते, ओवरलोडेड है, इधर नहीं बैठना अपने को। वामोस माइक। चढ़ जा भाई। गुड एस्टेबियन नो ओ, इसके अंदर तो 5 लोग सो रहे हैं भाई। नेक्स्ट मर्सी ब्रदर। ओके नो प्रॉब्लम, एक बड़ा पिट्ठू मेरी कमर पे रह गया, वो तो लेके चढ़ जाऊंगा मैं, वैसे तो वो भी लेके चढ़ जाता। चल वीर कच्छा ऊपर ना कर ले तेरा, आ जाओ भाई मारा जोर। ये आ गया बम्बई वैगन के अंदर, अंदर से काला है पूरा, ये देखो ये आयरन और इसमें पड़ा पूरा, इसके ऊपर ही सोना है लेकिन अपने को। पहले से काफी लोग है इसमें, चलो चल पड़ी भाई ट्रेन,
ट्रेन में भाई बिछा लिया मैंने तो अपना ताम जाम। ये देखो नीचे कंबल और ये खाने पीने का सामान, ये देखो बैग मैंने ढक दिए पॉलीथीन से और बोरी से। ये मैंने जो कंबल खरीदा था वो बिछा लिया नीचे, और ये देखो आयरन हो रहे हैं। इसी के साथ छोड़ना पड़ेगा, ये मुंह में भी लगेगा तो मुंह ढकना पड़ेगा अभी। इसमें मैंने पानी की बोतलें, अपने ड्राई फ्रूट वगैरह सब इसमें। चलो भाई करते आराम, अब सुबह मिलूंगा आराम से, आपको बातें बताऊंगा सुबह इस ट्रेन के बारे में। दोस्तों स्वागत है ट्रेन में आपके साथ पहली सुबह में, और सनराइज पे हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत गहरी नींद होना। यहाँ पे सारे लोग सोने लग रहे हैं, ये मेरा बिस्तर है, मैंने इधर सरका लिया था। पहले मैं उधर सो रहा था पर उधर धूप होगी बहुत तेज, तो मैं इधर थोड़ी सी छाया में ले आया। कुछ ये हालात है अंदर, ये देखो। भाई इसके बाद भी पूरा बैग मिट्टी में भर चुका, मैंने ढक रखा था, अभी तो मैंने साफ कर दिया थोड़ा, फिर भी ये हाल है। और ये देखो ये वो प्लास्टिक वाला, ये मेरे हाथ, और वो मेरा बड़ा बैग, वो भी उसमें भी छेद है तो मिट्टी में भर चुका पूरा। रात को तो भाई इतनी भयंकर ठंड हो गई थी इसमें, मतलब मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि बालू मिट्टी थी, ये ठंडी हो जाती है रात को। फिर मैंने सारे कपड़े ओढ़े मेरे, और अभी इतनी भयंकर गर्मी होगी तो मैंने कपड़े उतारे सारे, तो जो ऊपर के मिट्टी वाले कपड़े थे ना वो सारे एकदम लदे पड़े थे मिट्टी में, और अब ये नीचे वाले कपड़े थोड़े से साफ है। और ट्रेन जब चलती है ना इतने झटके मारती है भाई, फुल स्पीड में चल रही थी, सोते सोते इतने झटके होते थे, कई बार तो यूँ होता था कि भी शरीर पूरा यूँ हिल गया, नीचे से कंबल नीचे बिछा रखा था, कंबल पूरा शरीर के नीचे से निकल गया, इतनी तेज झटके भाई। पर फिर आदत होगी सर, रात जब झटके लगे जा रहे थे बाद में फिर फ़र्क नहीं पड़ा, शुरू में तो बार बार नींद खुल रही थी। 12 घंटे हो गया मैं चले, और अभी इनका वन ऑफ द मेन स्टॉप जो है चूम में गाड़ी रुकी है, बीच में थोड़ी थोड़ी देर रुकी थी पर बहुत ही थोड़ी देर थी, वो तो 5-5 मिनट के लिए रुक रही थी मान लो। यहाँ पे शायद इनका एक मेन स्टेशन है, यहाँ से भी मेरे ख्याल 5-6 घंटे का रास्ता और होगा। शुरू के 5 घंटे तो मेरे को नींद ही नहीं आई, 4-5 घंटे, 11 बजे इसमें ट्रेन में बैठे, 4-5 घंटे तो बॉडी इतनी एक्साइटेड थी, इतना मज़ा आने लग रहा, तारे दिख रहे और ये पूरा एडवेंचर। वैसे तो मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा, सोने का टाइम मेरा ऑलरेडी हो चुका था, पर वो एक्साइटमेंट के चक्कर में नींद नहीं आई तो मैं जागता रहा। फिर सुबह 4 बजे सोया, और अभी बजे सुबह के 11, यानी कि चले हमें 12 घंटे हो चुके हैं, और मुझे स्टेशन पे आए ऑलमोस्ट 23 घंटे हो गए। 12:30 में स्टेशन पे आया था कल उधर, तो 1.5 घंटे बाद मुझे सफ़र स्टार्ट करे, 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, और अभी भी 6-7 घंटे का आगे सफ़र बच रहा है। ज़रूरत में फिर आगे देखेंगे क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे वगैरह आगे चीज़ें बेचने। इसकी कंस्ट्रक्शन भाई 1960 में शुरू हुई थी और 1963 में पूरी हो गई थी, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 700 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है ये, और जो ये ट्रेन है 3 किलोमीटर लंबी है, एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 30 मिनट तक लग जाते हैं, और इनकी माइनिंग कंपनी से ओन करती है ये। जितने ही पैसेंजर इसमें लदे हुए हैं ना कोई भी टिकट के नहीं है, हालांकि एक वैगन है जो कि पैसेंजर वैगन है उसकी टिकट है मेरे ख्याल 6 यूरो के करीब, मान लो आप 200-250 हो गया होगी, लेकिन उसमें सीट तो मेरे ख्याल 20 या 30 ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बेच देते हैं जितनी सीटें उससे ज़्यादा भी, और जिसका मन करे टीटी उसको बिठा देता है उसमें, मतलब ओवरलोड करते ही है। और ना ये 3 ट्रेन जाती है जैसे मेरे को पता चला, पहले भी हलचल हो रही थी स्टेशन पे, पता ही नहीं चल रहा था ये ट्रेन है ये नहीं है, तो जिस ट्रेन में पैसेंजर वैगन है वो वाली ट्रेन रुकती है सिर्फ, बाकी वाली ट्रेन नहीं रुकती, और लोग चाहते उसमें बैठना लेकिन वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल होता है, मतलब यूँ सोच लो थोड़ी सी जगह में कोई आदमी बैठ जाए, उससे बढ़िया तो ये है बस मिट्टी में नहाना पड़ता है, मिट्टी खानी पड़ती है सारे रास्ते पर, लेट के खुले सो के तो जा सकते हैं। इस ट्रेन के भाई 3-4 डीजल इंजन है, और 200 से प्लस कार्ट्स है इस तरह के, और हर कार्ट अप टू 84 टन आयरन ओर कैरी करता है। इसके अलावा 2 से 3 सर्विस कार है इसकी, 365 दिन ये ट्रेन चलती है, और एनुअली लगभग 16.6 मिलियन टन तक ये आयरन ओर ट्रांसपोर्ट करती है, और जैसा मैंने पहले ही बताया कि भी मोरिटानिया की GDP में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ट्रेन। ये ट्रेन ना SA3 कपलर यूज़ करती है जो कि बहुत अनयूजुअल है नॉन सोवियत ट्रेन्स के लिए, फिनलैंड पोलैंड या फिर सोवियत यूनियन की, रशिया यूक्रेन वगैरह की ट्रेन में तो ये कपलर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोरिटानिया
इधर के लिए बहुत अनयूजुअल है, शायद ट्रेन चलने लग रही है, झटका शायद दोबारा। वेस्टर्न सहारा के बारे में मैंने आपको पहले बताया तो ना, हम वेस्टर्न सहारा के बिल्कुल साथ साथ से गुजर रहे हैं, और 1976 में ना साउदर्न जो वेस्टर्न सहारा था वो मॉरिटानिया ने कब्जा लिया था। इस वजह से क्या हुआ, इनकी जो ये लाइन है ना इधर से जो होके गुजरती थी, इस पे बार बार ना पोलिसारियो की फोर्सेस अटैक करती थी, लाइन तोड़ देती थी, जिससे इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। पोलिसारियो वो है जो वेस्टर्न सहारा का ये रीजन कंट्रोल करती है, आपने मोरक्को वाली वीडियोस में देखा होगा, वेस्टर्न सहारा वाली वीडियोस में। तो पोलिसारियो फोर्सेस वाला जो ये एरिया था, इधर से इनकी लाइन गुजरती थी रेलवे की, इन्होंने वो एरिया कब्जा लिया, लेकिन वो रिबेल करने के लिए बार बार इनकी ट्रेन लाइन तोड़ देते थे या कुछ ना कुछ कर देते थे। इसके चलते ना फिर मॉरिटानिया में तख्ता पलट हो गया और इनकी आर्मी ने, जो इनके प्रेसिडेंट थे मुख्तार ददार या ऐसे कुछ नाम था, उनको ओवरथ्रो कर दिया 1976 में, और पोलिसारियो का वो जो कब्जा था वो छोड़ दिया, वो वापस वेस्टर्न सहारा हो गया, पोलिसारियो कंट्रोल में आ गया। फिर उसके बाद इसमें खूब रिपेयर करवाई इस लाइन में, और 1980s में दोबारा फंक्शन हो गई और दोबारा चलने लगी है ट्रेन। पैर के एक बज गए और करीबन 45 डिग्री तापमान हो गया, और अब छाया नहीं बची कहीं भी, हर जगह ही धूप आ रही है। पूरा मिट्टी में लदा हूँ मैं और सभी लदे हुए, और धूप सीधा ऊपर पड़ने लग रही है, कहीं छाया भी नहीं बची। अब तो पहले जो था सूरज जब उधर था तो थोड़ी सी छाया इधर आ रही थी, अब सीधा मुँह पे धूप लग रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। अब थोड़ी सी कंडीशन मुश्किल होने लग रही है, अभी तक तो थी मुश्किल पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई। अभी करीबन 3-4 घंटे का सफ़र और है, मतलब मैं फ़ोन 1 सेकंड के लिए बाहर निकालता हूँ ना, इसके चार्जिंग पोर्ट में भी इतनी मिट्टी घुस जाती है कि चार्जर लगता ही नहीं। फ़ोन का जो स्क्रीन गार्ड था वो डैमेज हो चुका है, क्योंकि आयरन और पड़ा है कहीं पर, मिट्टी है कहीं पर कुछ, तो स्क्रीन ख़राब होगी। बाई चांस कैमरा लेंस अभी तक नहीं हुआ, कैमरा लेंस बचे हुए हैं, और स्क्रीन गार्ड तो चलो चेंज हो जाएगा। दो फ़ोन है मेरे, दोनों की हालत बिल्कुल ख़राब होगी, हर चीज़ में मिट्टी अंदर तक भर चुकी, बैग के अंदर भी मिट्टी गई हुई है, पता नहीं सारे कपड़े सब कुछ मिट्टी में भर चुका, मेरे कपड़े अंदर तक फील कर पा रहा हूँ मैं, और फिर आऊँ तो भी लग रहा है साथ में मिट्टी आ रही है मुँह में, आधा किलो सब कुछ एकदम मिट्टी में भर चुका। और बस समस्या ये, अब छाया नहीं बची बिल्कुल भी, नहीं मिट्टी तो चलो कोई नहीं, क्या सेध रही है मिट्टी तो, और छाया नहीं। अभी 4 घंटे और ऐसे ही बिताने हैं इस तिक्खी धूप में, मेरे को मेरे होटल से निकले 25 घंटे करीब हो चुके, और बस कर रहे हैं सफ़र। ये है भाई हालात दुनिया की सबसे डेंजरस ट्रेन के और सबसे लंबी ट्रेन के। मैं रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन की स्क्रीन साफ़ करता हूँ, 1 सेकंड के अंदर फिर पूरा फ़ोन मिट्टी में, साफ़ करता हूँ कपड़ा हटाता ही नहीं उससे पहले, पूरा फ़ोन दोबारा मिट्टी में। पता नहीं कितनी बार तो मैंने हाथ धो चुके, हर बार हाथ धोता हूँ फ़ोन उठाने से पहले, और फिर हाथों की हालत हो जाती है, आयरन और मिट्टी सब कुछ मिक्स हो गए। पानी एकदम तपता गर्म हो चुका है, पानी जो कि मैं ठंडी बोतलें लाया था, रात को इतनी ठंड थी तो सुबह पानी चिल्ड था, अब वही पानी ऐसे है मानो बॉइलिंग वाटर हो, मतलब अभी तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, अभी तो फिलहाल ये मन कर रहा है कहीं छाया मिल जाए बस, इस धूप से बचाव हो जाए। चलो बड़े वापस। आगे ऑलमोस्ट जोरत, जिधर होती है आयरन ओर की माइनिंग इन पहाड़ों से। अब बस मेरे ख्याल स्टेशन भी नजदीक होगा, कभी भी रुक सकती है शायद। ओ भाई मेरे ख्याल से 45-50 डिग्री हो रहा होगा टेम्परेचर, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, दोपहर के बजे अभी 3:15।
वगैरह पैक करना स्टार्ट करते हैं भाई। ये था मेरा कंबल का लिफाफा, इसमें मेरा छोटा बैग, हाथ मेरे आप देख सकते हो, और वो रहा मेरा बड़ा बैग। इसमें एक छेद है तो मुझे पूरा भरोसा अंदर तक इसकी मिट्टी जा चुकी होगी। दोस्तों ये वो ट्रेन है जिसमें आयरन ओर लग चुका है और ये डिपार्ट हो रही है। कल इसी टाइम इसी ट्रेन में मैं वापस जोरहट से चूम जाऊंगा। भाई अभी देखा मैंने माइक्रोफोन में भी इतनी ज़्यादा मिट्टी घुस चुकी है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो कल इस ट्रेन से डिपार्ट होना है मेरे को जिसमें आयरन ओर भी लग चुका है और इसी टाइम चलेगी। भी कल वाला एडवेंचर और भी थ्रिलिंग होएगा क्योंकि मिट्टी के साथ साथ आयरन ओर भी होगा। आगे क्या जोरहट, चलो भाई 5 मिनट से झाड़ रहा हूँ इसे और मिट्टी इसकी निकल ही नहीं रही कंबल की, देखना देखना। मर गया रहा है। ये तो थोड़ा बच गया भाई, ये तो हो गया पूरा मिट्टी में। उतर के भाई इधर से और लोग भी उतरने लग रहे हैं, देखो। बुरा हाल हो रहा है भाई, माइक ने बहुत मदद करी मेरी। अब जाना कहाँ ये नहीं पता, नेट देखता हूँ चल रहा है तो कास्ट चल रहा हो भाई। पूरे शरीर में इतनी मिट्टी चलेगी, नाक से मुंह से, बहुत अजीब लग रहा है। इधर खूब सारी टैक्सीज पहले से ही खड़ी है, लोग उतरेंगे तो उन्हें बिठाने के लिए, पहले ही आई हुई है पर शेड है शायद सारी। बाज जिब्रिल करके जगह है कोई, माइक मेरे को टैक्सी दिलाएगा वहाँ के लिए। भाई बहुत बढ़िया आदमी है यार माइक, सारे ही बढ़िया थे लोकल ट्रेन में जितने भी थे। ओ भाई ये हालात है इधर गाड़ी हो गए, बैठ गया मैं गाड़ी में। भाई माइक बहुत बढ़िया आदमी, बहुत मदद करी उसने। अब एक लाज जिब्रिल करके जगह जाना है, उधर कमरा मिल गया तो ठीक है, नहीं दोबारा मोहम्मद को फ़ोन करना है। मोहम्मद एक टूर गाइड है यहाँ पे, ऑनलाइन उसका नंबर लिया था मैंने एक फेसबुक ग्रुप से, तो पहले वहाँ जाके ट्राई करते हैं। मोहम्मद ने बोले 80 देने मेरे को इसको, 80 हो गया यानी कि इंडिया के 170 रुपये 180 रुपये कुछ होंगे। चलते हैं गाड़ी गाले, देखो ताऊ चाल के राजी नहीं भाई आज। ये क्या दरवाजा है भाई, अपने आप खुल जाता है। ताऊ सोच रहे हैं तीर सवारी बिठा ले, चलता चलता। ये जो भाई आप पहाड़ वाड़ देख रहे हो ना, यूँ समझ लो इन्हीं की वजह से ये देश चल रहा है, इसी पे इनकी इकॉनमी टिकी हुई है। अगर ये माइंस और ये पहाड़ ना होना तो समझ लो इनकी इकॉनमी बिल्कुल ही डूब जाए, मतलब मोस्टली इसी पे डिपेंडेंट है। सामने अभी जोरहट शहर आ गया, लगभग 20 मिनट का सफ़र था, मेरे को तो लग रहा था पास होएगा काफ़ी, पर 21 किलोमीटर था वहाँ से आते का। ये रेलवे ट्रैक, इधर से कहीं से लद के चलती होगी ट्रेन। भाइयों इधर रोका हमें सिपाहियों ने, चेक पॉइंट था और पासपोर्ट लेके मेरा पूछ रहे थे कि भाई कहाँ जाएगा, क्यों आया है, यहाँ क्या करने आया है। फिर ये ताऊ बढ़िया है जो ड्राइवर है ना, ताऊ की मैंने बात मोहम्मद से कराई थी, मोहम्मद ने ताऊ को सारी बात समझाई थी, ताऊ ने
बढ़िया तरीके से सिपाही को समझा दी। मेरी डिटेल लिख के थोड़ी देर में गाड़ी में ही देंगे, पासपोर्ट और ज़्यादा पूछताछ नहीं करी। पीछे एक और चेक पॉइंट गया अभी, पर उन्होंने रोका नहीं मुझे, उन्हें मेरी शक्ल नहीं दिखी, था उन्हें दूर से उन्हें ग्रीट कर दिया, वो बोले जाओ, मैं दिख जाता तो थोड़ा टाइम ख़राब तो करते, पर सही है अब शायद शहर शुरू होगा। बढ़िया शहर लग रहा है रिजोरे तो मेरे को अभी तक, एक्साइटेड हुआ है। काफ़ी लोग ना पूरी ट्रेन राइड करते नहीं तो चौंक ही उतर जाते हैं, लेकिन मैं ज़ोरत आना चाहता था, मेरे को ये शहर देखना था क्योंकि इतना आइसोलेटेड सा है, तो ऐसे शहरों में घूमने में मज़ा आता है, बिल्कुल ही जो डिसकनेक्टेड से हो ना दुनिया से किस कोने में, तो मैं इसीलिए आया कि मेरे को देखना था ये शहर। और बाकी मैंने सुना है मेरे को जो सुरजीत थे जो नोदीपू में मिले थे वो बता रहे थे काफ़ी लोगों की ना तबीयत ख़राब हो जाती है ये ट्रेन राइड जो करते हैं, तो बस उम्मीद करता हूँ ना हो, वैसे लग तो नहीं रहा मुझे कुछ ऐसा, पर फिर भी इतने एसी है भाई शहर में, तो सबने एसी लगा रखे है अपने घर में, ये क्या चक्कर है, घर है या होटल है क्या चीज है, हर आदमी घर में एसी तो नहीं हो सकता यार ये कोई पता नहीं यार क्या ही चीज है ये माइनिंग कंपनी वालों के गेस्ट हाउस वाले मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो थोड़ा सा ही जोर डालते गेट खुल जाते हैं बारी बारी। ये आ गया क्या अपना होटल बाजिब्रिल है तो भाई इधर इनके पास कमरा, लेकिन इन्होंने 950 बोला है जो कि इंडिया के 2000 रुपये, मैं बोला पहले मेरे को दिखा दो जस्टिफाई कर रहा है तो, अगर क्योंकि रिसेप्शन तो बहुत साफ सुथरी नहीं थी बाहर से, तो अच्छा लग रहा था ये बाजिब्रिल होटल। ले लिया भाई कमरा, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको, ताऊ को बाय बाय बोल देते हैं, ताऊ ने मांगे 150, बिल्कुल जायज रेट है। या ताऊ शुक्रान, थैंक यू ताऊ, मान गए ताऊ, यू आर ग्रेट। बाय बाय ताऊ, बाय, टेक केयर, लव यू। चलो चलो भाई, इस वक्त मेरे में 150 किलो बोझ होगा, 100 किलो मेरा और 50 किलो मिट्टी का इन्होंने एक पुलिस फॉर्म भरवाया मेरे से, रास्ते में 2 चेक पॉइंट्स थे, एक जगह रोका गया, कमरे में चल के नहाऊंगा, फिर कुछ खाऊंगा, फिर सोऊंगा ये बार कुछ कुर्सी है, ये वाला कमरा है मेरा, कमाल की बात है कमरे में एसी है, मैंने तो वो देखते ही बोल दिया था, मैं ठीक है काम चलाना है अपने को। ये है कमरा, ऊपर एसी है, ये क्या शीशा सा कुर्सी, एक ये बेड, फ्रिज पता नहीं चलता है नहीं चलता, और अंदर बाथरूम है। अपने को शावर चाहिए था मेन, तो शावर मिल गया, नहाना जरूरी है फिलहाल, बाकी काम अपना हो जाएगा, चलो अब करते आराम। हाँ भाई, लग रहा हूँ ना नहा दोगे मामाज बॉय, शाम के 6 बज गए और कल मैंने होटल में ना अपने कमरे से चेकआउट तो 11 बजे ही कर दिया था, 11 बजे मैं रिसेप्शन में जाके बैठ गया था, वो सुरजीत जी आ गए थे तो उनसे मिल रहा था, तो लगा लो लगभग 31 घंटे बाद दोबारा कंफर्टेबल हुआ हूँ। और साबुन या बाथरूम में रखी तो थी, पर मैंने मेरी साबुन निकाल ली, डिटॉल साबुन की बड़ी वाली टिक्की लेके आया था मैं, वो अभी तक यूज़ नहीं हुई थी इस ट्रिप पे, आज मैंने वो खोली और आधी होगी वो टिक्की, इतना मैल इतनी मिट्टी उतरी ना, और एक बार में तो उतर ही नहीं सकती, मेरे हाथों पर जैसे मेरे को दिख रहा है इधर का रंग अलग है इधर का अलग है, और अभी वो पूरी कालस सी उतरी नहीं, रम गई मतलब वो मिट्टी ना और आयरन और भी, तो 2-3 बार नहाने पे ही ठीक से निकलेगी। और आराम करते हैं, नहा दो के एसी काम कर रहा है, एसी में लेटा था, इंटरनेट नहीं चल रहा यार, ये परेशानी है, पता नहीं वाईफाई कैसे चल ही नहीं रहा, मेरा भी जो इंटरनेट था वो भी काम नहीं कर रहा, तो जैसे तैसे कुछ खा के आएंगे, रात बिताएंगे यहाँ पे और आराम करते हैं। तो भाई ये लोग ना सारे, मतलब इनमें से एक तो सेनेगल का ही है, तो मैं इनसे पूछ रहा था भाई ऐसे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, तो बता रहे थे
पुलार पुलार असनी फ्रेंच असनी असनिया सोनिके सोनिके ओलफ ओलफ ओके पता नहीं ओलफ सेनेगल बोम्बारा ओलफ इसी या ओलफ सेनेगल या ओलफ ओके या पुलार या सोनिके हाँ या टूल या इंग्लिश इंग्लिश फ्रांसिस इंग्लिश तो ये ज्यादातर बोलते हैं फ्रेंच या फिर ये बोलेंगे पुलार इंग्लिश तो नहीं आती खैर इन्हें पर हसनिया अरेबिक जो है नोदीबू हसनिया नोकशोट हसनिया हसनिया पुलार या बुकुर मुरितानिया मुरितान से सेंक लांग पुलार ओके फ्रांसिस इंग्लिश हसनिया No English. Francis, no? Okay. No English. Pular. Pular. Sonique. Olof. Bombara. Asani. Oh, so many. Sank. Yes. But. You know Haratin? No. Olof? Yes. Haratin. Yes. Haratin, say, même langue. Say, Asani, say, la même chose. Okay. Haratin, say, comme ça. Same. Right. Me same. Yes. Man, the language is Hassaniya. Me also Hassaniya. ये भाई मेरे साथ ट्रेन में था भाई यहाँ दिख गया. How? My friend, Nodibu. Nodibu. Train.